दोस्तों मशीन हमारे कई सारे काम आसान कर देती है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बिना मशीन के किए नहीं जा सकते। कई सारी ऐसी भी मशीन है जो खाने की कमाल की चीजें बनाती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ कमाल की मशीन दिखाएंगे जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। चॉकलेट रोल्स खाना बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, जिसके बाहर वेफर की लेयर और अंदर चॉकलेट क्रीम होती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले इसका वेफर मिक्सचर तैयार करते हैं, जहां उसे एक बाउल में डाला जाता है। इसके बाद एक गर्म बेल्ट की मदद से उसकी एक पतली लेयर तैयार की जाती है। उसके बाद दूसरी मशीन चॉकलेट क्रीम बनाने का काम करती है। क्रीम पूरी तरह से बन जाने के बाद उसे रोल्स में भरने के लिए रेडी किया जाता है, जहां एक पाइप के जरिए चॉकलेट बाहर आती है और उसी वक्त चॉकलेट वेफर रोल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे रोल्स बनते हैं वैसे वैसे उनमें पाइप के जरिए चॉकलेट को डाला जाता है। उसके बाद बने हुए रोल्स को एक मशीन सही आकार में काट देती है। उसके बाद रोल्स तैयार होकर एक कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें ब्रैकेट्स में रखने का काम करते हैं और उन्हें पैक कर दिया जाता है और बाद में वो मार्केट में आ जाते हैं। स्वीट्स मेकिंग। मिठाई तो सभी लोग खाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मिठाई खाना पसंद होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि इसे बनाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी मनपसंद मिठाइयाँ आखिर किस तरह से बनाई जाती है? तो इनकी शुरुआत छीले हुए बादाम से की जाती है, जिन्हें एक मशीन में डालकर गर्म पानी से धोते हैं। उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें बाहर लाया जाता है, फिर उन्हें एक मशीन में भेजते हैं, जहां वो मशीन बादाम का पेस्ट तैयार करने का काम करती है। बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे ले जाते हैं, जहां दूसरी मशीन उन्हें और बारीक पेस्ट में कन्वर्ट करती है। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन में एक वर्कर की मदद से शुगर पाउडर और व्हाइट पेस्ट डालते हैं, जहां उनका एक क्रीमी मिक्सचर तैयार किया जाता है। आगे एक मशीन में वर्कर्स की मदद से तैयार किए हुए बादाम के पेस्ट को डाला जाता है, जहां वो मशीन उसे दबाकर स्वीट्स का आकार दे देती है। उसके बाद उन पर क्रीमी मिक्सचर को लगाया जाता है, फिर उन्हें ओवन में भेजते हैं, जहां स्वीट्स को लो टेम्परेचर में 10 मिनट तक बेक करते हैं। इस तरह स्वीट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं और आखिर में उन्हें ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन की मदद से प्लास्टिक ट्रे में पैक किया जाता है। चिक्की मेकिंग। चिक्की एक ऐसी चीज है जिसे लगभग सभी लोग खाते हैं, लेकिन इसे बनाने की प्रोसेस कुछ ही लोगों को पता होगी। सबसे पहले एक मशीन में पीनट्स को डालते हैं, फिर वो मशीन उन्हें गर्म करके उनका पेस्ट तैयार करने का काम करती है। उसके बाद दूसरी मशीन में और भी पीनट्स डाले जाते हैं, जहां उन्हें ग्राइंड करके बारीक पीसेस तैयार किए जाते हैं। बाद में एक रोटेटिंग मशीन में पीनट पेस्ट और ग्राइंड किए हुए पीसेस को डालते हैं, जहां उन्हें फिर से गर्म करके अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। उसके बाद एक वर्कर उनकी एक पतली लेयर बनाता है और उसे एक कटिंग मशीन में डालता है। उसके बाद मशीन उसे सही आकार में काटती जाती है। आखिर में कुछ वर्कर्स की मदद से उन्हें प्लास्टिक में पैक किया जाता है और इस तरह हमारी मनपसंद चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। खारी बिस्किट। लोग चाय के साथ कई अलग अलग चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे केक, बिस्किट्स वगैरह। वही कुछ लोग खारी बिस्किट खाना पसंद करते हैं, जो चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मार्केट से खरीदी पैक खारी बनती कैसे है? इनकी बनने की शुरुआत होती है मैदे से। मैदे के साथ घी, पानी, बेकिंग सोडा और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मशीन में डाला जाता है और इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां इसको एक कन्वेयर बेल्ट पर लेयर्स में फैलाया जाता है, जिसे एक कर्मचारी उसके चौकोनी टुकड़ों में काटकर आगे भेज देता है, जहां मशीन इस मिक्सचर को खारी बिस्किट के आकार में काट देती है। उसके बाद इन्हें ओवन में पकाया जाता है, जिससे कि ये खारी तैयार हो जाती है। खारी को और भी कई शेप्स में बनाया जा सकता है, जैसे कि हार्ट, ट्रायंगल्स, स्क्वायर वगैरह। इस तरीके से ये खारी तैयार हो जाती है और हमें मार्केट में मिलती है। ग्राउंडनट ऑयल मेकिंग। ऑयल हमारे रोजाना बनने वाले खाने में इस्तेमाल की जाने वाली एक अहम चीज है। मार्केट में हमें कई तरह के ऑयल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है ग्राउंडनट ऑयल। इस ऑयल की ये खासियत है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे आखिर बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने की प्रोसेस काफी सिंपल है। तो सबसे पहले एक कर्मचारी की मदद से ग्राउंडनट्स को एक मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन उन्हें ग्राइंडिंग करने का काम करती है। कुछ देर बाद उनमें ऊपर से पानी को भी मिक्स किया जाता है, जहां मशीन के अंदर ऑयल बनना शुरू हो जाता है। और जब ऑयल बनकर तैयार होता है, तो मशीन के नीचे लगे नल द्वारा ऑयल को बाहर निकाला जाता है
और इस तरह से ग्राउंडनट ऑयल बनता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। कोकोनट ऑयल तो लगभग सभी के घर में इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसमें से कुछ लोग इसे हेयर्स के लिए यूज करते हैं तो कुछ लोग इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नारियल का यह तेल आखिर बनता कैसे है, ये हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले कुछ ड्राई कोकोनट्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ उन्हें 5 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी की मदद से उन्हें दूसरी ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें फिर 10 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है और कुछ ही देर में मशीन के नीचे लगे पाइप के जरिए ऑयल बनकर बाहर निकलने लगता है। उसके बाद निकाले गए ऑयल को एक कंटेनर में डाला जाता है, फिर उसे एक कर्मचारी की मदद से स्टील कैन में डालते हैं, फिर दूसरा कर्मचारी उसे हाथ से ही पैक करने का काम करता है और आखिर में उन्हें प्यूरीफाई करके मार्केट में भेजा जाता है। गाइस, सेकंड लास्ट है स्प्राइट मेकिंग। स्प्राइट बहुत लोगों की मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन चुकी है, जिसे गर्मी के सीजन में पीना लोगों को और भी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उनकी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक आखिर कैसे बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिनकी मदद से इसे एक अलग ही टेस्ट दिया जाता है। स्प्राइट बनाने के लिए पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर उसमें शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव्स और खास फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है। फिर टाइम आता है स्प्राइट को बोतल में भरने का। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह स्प्राइट की बॉटल्स को बनाया जाता है और उनमें कोल्ड ड्रिंक को डाला जाता है। सबसे पहले इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब्स बनाई जाती है, फिर इन ट्यूब्स को एक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उन्हें हाइड्रोलिक प्रेशर देकर मोल्डिंग से बॉटल्स का आकार दे देती है। और बॉटल्स बनकर बाहर आती है, फिर बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक भरने का काम करती है और दूसरी मशीन उन पर कैप लगाकर उन्हें सील पैक कर देती है। उसके बाद सभी बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में आगे ले जाते हैं। आखिर में सभी बॉटल्स एक साथ आती है, जहां उन्हें 6x6 के ग्रुप में अलग किया जाता है और उन पर एक प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है। फिर उन्हें एक हीटर से गुजारते हैं, जिससे प्लास्टिक पूरी तरह से बॉटल्स पर चिपक जाता है और आखिर में उन्हें एक मशीन प्लास्टिक से रैप कर देती है और स्प्राइट मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और गाइस, लास्ट है केचप मेकिंग। केचप तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, जिसे हम ज्यादातर पिज्जा, बर्गर या फिर फ्राइज पर डालकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि आखिर फैक्ट्री में केचप को किस तरह से बनाया जाता होगा। केचप पूरे नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स को डाला नहीं जाता। इसे बनाने के लिए टोमेटो पेस्ट, एगो नेक्टर, स्वीट ऑनियन पाउडर, स्पाइसेस, सॉल्ट और व्हाइट विनेगर, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में टोमेटो पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे मिक्स करके और बारीक करती है। उसके बाद उसमें ऑनियन पाउडर और सॉल्ट मिलाते हैं। कुछ देर बाद एगो नेक्टर को भी मिलाया जाता है और सबसे आखिर में है व्हाइट विनेगर। ये सब डालने के बाद मशीन इन्हें फिर से मिक्स करती है और कुछ ही देर में केचप तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे फिलिंग के लिए दूसरी मशीन में भरते हैं, जहां मशीन एक बार में 8 बॉटल्स को भरने का काम करती है। अगली मशीन उन पर बॉटल्स कैप्स लगाती है, उसके बाद उन पर प्लास्टिक लगाया जाता है और आखिर में ये कमाल का केचप मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाता है।